हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 48 जो कि है 24th अक्टूबर की। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये है इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट। तो स्टूडेंट्स, आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम। तो चलिए आज हम अपनी वर्कशीट करते हैं। तो द भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो भारत रत्न हमारा अवार्ड है वो हाईएस्ट है, सिविलियन अवार्ड है अपने इंडिया का। इट वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन 2 जनवरी ऑफ 1954। इट इज़ गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एंड विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजिशन और जेंडर। जो एकदम एक्सेप्शन सर्विस जिनकी होती है, परफॉर्मेंस होती है, और ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारा, और इसको बिना किसी रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और जेंडर के दिया जाता है। सो गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल हु आर अवार्डेड विद भारत रत्न। आइडेंटिफाई दिस पीपल, आल्सो अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लोगों के नाम गिवन हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। आपको मतलब बताना है कि किन किन लोगों को मिला है डिस्क्रिप्शन में जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ के। और आपको दूसरा काम क्या करना है, डिटरमाइनर्स फाइंड करना है उसी बॉक्स के अंदर। यू मे रेफर टू द प्रीवियस वर्कशीट ऑफ डिटरमाइनर्स। जैसे कि हमने पहले वर्कशीट में डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ा था, आप उस वर्कशीट की भी हेल्प ले सकते हो। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो यूज्ड बिफोर नाउन मतलब नाउन से पहले आते हैं। अब हम नाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग, ठीक है। तो डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और जो दूसरा काम क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं नाउन को, ठीक है। डिटरमाइनर एकदम रूट टॉपिक है और इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, क्वांटिफायर, नंबर, ठीक है। तो चलिए हम अभी ये करते हैं। फर्स्ट बॉक्स में हमारा गिवन है दिस पर्सन वाज वन ऑफ द टू पीपल अवार्डेड विद द भारत रत्न इन द ईयर 2001। ये जो पर्सन है इसको, इनको वॉज द वन ऑफ द टू पीपल, दो में से एक को अवार्ड विद द भारत रत्न इन द ईयर 2001। ही वॉज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर। ये देखिए, ये शहनाई है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर देन 8 decades। ही इज़ क्रेडिटेड विद एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ शहनाई फ्रॉम द फोक स्टेज टू द कॉन्सर्ट स्टेज। तो गेस करिए इनका नाम क्या है स्टूडेंट्स। तो चलिए नीचे हम देखते हैं, ये हैं शहनाई प्लेयर, इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्ला खान। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इनको देखा भी होगा गूगल पे या कहीं भी, बुक्स वगैरह में, न्यूज़पेपर में। तो ये हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान, इनकी फ़ोटो देख लीजिएगा। तो ये रहा, अब हमने इसका आंसर उस्ताद बिस्मिल्ला खान हो गया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है, डिटरमाइनर्स फाइंड करने हैं। तो चलिए वो करते हैं। जो भी ये ब्लैक में जो अंडरलाइन और ब्लैक वर्ड्स गिवन है ना, ये आपके सभी डिटरमाइनर्स हैं। तो यहाँ पे दिस आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, टू आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, द भारत रत्न नाउन है उससे पहले डिटरमाइनर आते हैं। तो दिस, टू, द और इधर एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ द शहनाई फ्रॉम द फोक स्टेज ऑफ द कंसर्ट। तो आप ये देख लीजिए कि जो भी अंडरलाइन ब्लैक में है वो आपके डिटरमाइनर हैं। चलिए सेकंड करते हैं अब हम अपना पैराग्राफ। सेकंड है हमारा दिस पर्सन वाज अवार्डेड, एक सेकंड नीचे देख लेते हैं कि ये है हमारा सेकंड। हाँ, दिस पर्सन वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 2014। ही प्लेड 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इन अ ईयर स्पैनिंग ओवर 2 decades। ही होल्ड्स वेरियस क्रिकेट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द ओनली प्लेयर टू हैव स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल, एंड ओनली प्लेयर टू कम्प्लीट मोर देन
30,000 30,000 रन्स बनाए हैं बोथ ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। तो गेस करिए कौन है जिनको भारत रत्न मिला है 2014 में, जिन्होंने 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले हैं 2 decades के अंदर और इनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो क्रिकेट प्लेयर हैं ये, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप पिक्चर से पहचान सकते हैं, ये तो कोई भी पहचान लेगा कि ये कौन है, सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तो चलिए अब हम डिटरमाइनर कर लेते हैं, ये रहा 10 आ जाएगा 10%। तो हमारा यहाँ पे 10 डिटरमाइनर है, वॉज अवॉर्डेड द, नाउन से पहले जो भी आएगा वो डिटरमाइनर होगा, तो यहाँ पे द हो गया और यहाँ पे अ हो गया अ करियर स्पैनिंग, यहाँ पे डबल हो गया इधर ए फर्स्ट, फर्स्ट ही हमारा नंबर उसमें आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डिनल में आ जाएगा और ये बोथ आ गया, ठीक है। तो चलिए थर्ड पैराग्राफ अब हम करते हैं, दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1999, ही वॉज बॉर्न इन 1933 इन इंडिया, ही इज़ अ विनर ऑफ द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। इनको कब मिला था, 1999 में मिला था भारत रत्न, बॉर्न हुए थे 1933 में, विनर हैं किसके, नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। He is best known for his work on the causes of famine, which led to the development of practical solutions for preventing or limiting the effects of shortage of food. देखिए इनकी पिक्चर भी दी हुई है, आप गैस कर सकते हैं कि ये कौन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये रही इनकी फ़ोटो कलर में, इनका नाम है अमर्त्य सेन, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा अमर्त्य सेन। तो चलिए डिटरमाइनर्स को देख लेते हैं, सो दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्ना, तो यहाँ पे दिस आ जाएगा हमारा डिटरमाइनर, इधर द आ जाएगा और फिर इधर द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द कॉजेज ऑफ फैमिन विच लेड टू द, इधर द आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट पैराग्राफ कर लेते हैं हम जल्दी से, तो ये रहा दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2001, इन इस पर्सन को 2001 में भारत रत्न मिला था। शी इज़ अ प्लेबैक सिंगर, शी मतलब फीमेल हैं, इज़ अ प्लेबैक सिंगर हैं, हु स्टार्टेड हर करियर इन 1940, उन्होंने 1940 में अपना करियर स्टार्ट किया था और है संग सॉन्ग्स इन ओवर 36 लैंग्वेज, और उन्होंने 36 लैंग्वेज में गाने गाए हैं। इन 1989 शी वॉज अवॉर्डेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये भी एक तरह का अवार्ड है, इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या है, सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये कौन है, आपको याद रखना है कि वो सिंगर हैं, और एक तो बात वो सिंगर हैं, दूसरा वो फीमेल हैं, और उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा, पिक्चर से आप पहचानिए कि कौन है ये, इनका नाम है लता मंगेशकर। तो चलिए ये रहा इसका आंसर, लता मंगेशकर। तो चलिए अब डिटरमाइनर्स फाइंड आउट करते हैं, दस आ जाएगा हमारा डिटरमाइनर, फिर आ जाएगा द, फिर आ जाएगा दिस द, फिर ए आ जाएगा, फिर हु स्टार्टेड हर करियर इन द आ जाएगा, इन 1989 शी वॉज अवॉर्डेड द, तो ठीक है। तो जो भी ये मैंने ब्लैक कलर से जो मार्क किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, वो आपके डिटरमाइनर हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी वर्कशीट फिल कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपकी यहाँ ये वर्कशीट नंबर 48 ख़त्म हुई 9th क्लास की। तो कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा कि एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसको भी ओपन करके देखिएगा, अगर वो चैनल भी पसंद आए तो उसको भी लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और भी आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा काम, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।